Hello students, welcome to your maths class. Today we will do unit 5 subtraction exercise 5b. Properties of subtraction, मतलब subtraction किस तरीके से करते हैं, उसके क्या rules होते हैं, वो अपन revise कर रहे हैं. Let's have a quick recap of the properties of subtraction which we have learned in previous classes. और सब्ट्रैक्शन के जो भी रूल्स हैं वो हम पहले की क्लासेस में भी फॉलो करते थे. जब हम सब्ट्रैक्शन करते थे तो उनका रिकैप का मतलब उनको एक बार रिवाइज कर रहे हैं. सब्ट्रैक्टिंग जीरो, इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम जीरो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम सब्ट्रैक्ट किसी भी नंबर में से जीरो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें नंबर इटसेल्फ मिलता है. नंबर इटसेल्फ मतलब आंसर्स वो का वही रहता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल 555, जैसे जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 555 ही रहेगा. तो मींस इफ वी सब्ट्रैक्ट जीरो फ्रॉम एनी नंबर द डिफरेंस इज द नंबर इटसेल्फ. इटसेल्फ का मतलब वो नंबर ही वापस आ जाता है जब जीरो सब्ट्रैक्ट करते हैं. मतलब जीरो सब्ट्रैक्ट करने पर सब्ट्रैक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता, सिर्फ वही नंबर दोबारा लिखना होता है डिफरेंस की प्लेस पर. सब्ट्रैक्टिंग वन, अगर हम वन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब क्या होता है, अगर हम वन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्रीवियस नंबर आ जाता है. प्रीवियस नंबर या बिफोर नंबर या उसको प्रीडेसर भी बोलते हैं. मतलब अगर हमने किसी भी नंबर में से वन सब्ट्रैक्ट किया तो हमें उससे पहले जो नंबर आता है, बिफोर नंबर जो होता है, वो हमें आंसर मिलता है. फॉर एग्जांपल 115, वन सब्ट्रैक्ट किया तो 114 मिला. इसको हम प्रीडेसर भी बोलते हैं और बिफोर नंबर भी बोलते हैं. ठीक है, तो वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें बिफोर नंबर या प्रीडेसर मिलता है. नाउ इफ वी सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम एनी नंबर वी गेट द प्रीवियस नंबर द प्रीडेसर ऑफ द नंबर एज द डिफरेंस. हमें डिफरेंस में उसका प्रीडेसर मिलता है जब हम वन सब्ट्रैक्ट करते हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग सब्ट्रैक्टिंग इटसेल्फ. इटसेल्फ का मतलब उसी नंबर को आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तब क्या होता है कि हमें आंसर जीरो मिलता है. जैसे आपके पास कोई चीज़ 12 है और आपने पूरी की पूरी 12 किसी को दे दी तो वो नंबर इटसेल्फ ही हुआ ना, वो खुद ही नंबर हुआ 12, है ना. और 12 थी आपके पास, जब आपने उसको सारी की सारी किसी को भी दे दिया कोई चीज़ तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा. इसलिए सब्ट्रैक्टिंग इटसेल्फ में क्या होता है कि जो नंबर है जैसे 215, ये भी नंबर, फिर उसमें से 215 ही हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें आंसर मिल जाता है जीरो. इफ वी सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ वी गेट जीरो एज द डिफरेंस. अगर हम किसी नंबर में से जीरो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें उसका आंसर जीरो मिलता है. नाउ कम टू योर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5b. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन. ये भी हमने प्रॉपर्टीज रिवाइज की, इनको यूज करते हुए हमें इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है. तो हम कैसे करेंगे, 455 में से जीरो सब्ट्रैक्ट करना है. जीरो मतलब कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना, तो हमारे पास वो का वही नंबर आ जाएगा. जब हम किसी को कुछ भी नहीं देंगे तो हमारे पास जो चीज जितनी थी वो उतनी रहेगी. तो 455, तो यहाँ पे आंसर आ गया 455. अब बी क्वेश्चन, 316 माइनस 316, जितना आपके पास था उतना सारा आपने किसी को दे दिया तो पूरा का पूरा आपके पास कुछ भी नहीं बचा, मींस आंसर हो गया जीरो. 215 माइनस 1, उसमें से हम सिर्फ 1 दे रहे हैं तो हमारे पास बिफोर नंबर आएगा, तो ये 15 है, ये 14 बन जाएगा, तो मतलब 214. अब यहाँ पे हमारे पास हम जीरो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आंसर 777 है. जब आंसर 777 है और जीरो मतलब हमने कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया, है ना, तो ये यहाँ पर नंबर आ जाएगा 777. अब नेक्स्ट वाले में हमें आंसर मिल रहा है जीरो, तो क्या करने पे हमें जीरो नंबर मिल, जीरो आंसर मिलता है, डिफरेंस मिलता है, जब हम नंबर इटसेल्फ को करते हैं. तो ये वाला नंबर यहाँ पे आएगा 875. तो आपका इटसेल्फ नंबर मतलब ये जो नंबर है
इसमें से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 875 आएगा। अब यहाँ पे आपको आंसर आ रहा है, यहाँ पे आपका 665 और आप 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो बच्चों आप क्या करेंगे, इसको इसके साथ, क्योंकि ये माइनस होके कम होके आपके पास आंसर आया, इसका मतलब ये पहले क्या था, आप इसमें इसको प्लस कर लो तो आपको आंसर पता चल जाएगा। मतलब आपको आंसर में 65 मिल रहा है सब्ट्रैक्शन करके, मतलब कम करके आपको 65 मिल रहा है, और यहाँ पे 1 है तो आप इन दोनों को प्लस कर लो। तो 665 प्लस 1 तो हो गया आपका 666। अब आप इसको वापस भी चेक कर सकते हो, 666 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आपको आंसर मिला 665। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं आपको इजी लगेंगे कि हमें तो ये फटाफट आ जाएगा, लेकिन बच्चों सॉल्व करने के बाद, जैसे ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, इसमें तो नॉर्मल तरीके से ही लिखा है तो आप आराम से सब्ट्रैक्ट कर लोगे, लेकिन जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिले ना कि जिनमें पीछे वाले नंबर्स लिखने, तो इनको फिल करने के बाद दोबारा से पूरा चेक करो। ओके, जैसे आपने इसको अगर आप चेक करके देखेंगे 777 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया, मतलब 0 सब्ट्रैक्ट करते नंबर इटसेल्फ आता है, करेक्ट है। अब ये 875 और 875 नंबर इटसेल्फ सब्ट्रैक्ट हो गया तो आंसर मिलेगा 0। तो इस तरीके से आप आंसर्स को दोबारा चेक करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, मतलब फिर से आपको सब्ट्रैक्ट करना है और आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है 0 फ्रॉम 378। बच्चों एडिशन की तरह इसमें ऐसा नहीं है, फ्रॉम का मतलब इस वाले नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको 0, 0 में से 378 सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। फ्रॉम का मतलब, जब भी सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम लिखा हो इसका मतलब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा है उसको आपको पहले लिखना है। तो आप इसको कैसे लिख के सॉल्व करेंगे, 378 सब्ट्रैक्ट 0 करना है तो 0 लिखा आपने, आपको पता है 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर इटसेल्फ आएगा, मतलब 378 आंसर आएगा। फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है 4760 फ्रॉम 4760, तो ये वाला फ्रॉम के पहले, यहाँ इस क्वेश्चन में तो दोनों नंबर सेम है, तो हम कोई सा भी सोच सकते कि हमने ये ऊपर लिखा, लेकिन आप बिल्कुल अच्छे से सब्ट्रैक्शन में रूल ध्यान रखेंगे कि फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा होता है वो नंबर आपको पहले कॉपी करना होता है। तो आपने इसको लिखा 4760 सब्ट्रैक्ट 4760, अब दो नंबर इटसेल्फ भी आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा, आंसर हो गया 0। अब यहाँ पे 1 फ्रॉम 425, तो पहले ये वाला नंबर ही लिखना है, आप लिखिए 425 और सब्ट्रैक्ट क्या करना है 1, आपको पता है कि 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, अभी हमने प्रॉपर्टी रिवाइज की कि 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बिफोर नंबर आता है, तो ये 425 है, अब हमारे पास आंसर आएगा 424। अब यहाँ पे 245 में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको 245, मतलब 245 ये वाला हम पहले लिखते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट किया हमने 245 तो हमने नंबर इटसेल्फ को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फिर अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो आंसर हो गया मैथ्स का आपके डिफरेंस का 0। अब यहाँ पे फ्रॉम, तो पहले 1 लिखेंगे 625, नहीं हम 625 पहले लिखेंगे क्योंकि फ्रॉम के बाद ये नंबर लिखा हुआ है, तो 625 माइनस 1, अब यहाँ भी 1, यहाँ 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बिफोर नंबर आएगा, 625 के बिफोर क्या हुआ 624। नेक्स्ट 0 फ्रॉम 200, तो 200 को पहले लिखना है, फ्रॉम के बाद लिखा है इसलिए, ठीक है, आप 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 मतलब आपने कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया, जब कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया, किसी को कुछ नहीं दिया, तो जो आपके पास था वो ही आएगा, इसका मतलब 200 आंसर हो गया, 200 माइनस 0 200, मतलब 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमारा सेम आता है, नंबर इटसेल्फ ही आता है।
इन क्वेश्चन 3 फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं और सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टीज हमने अभी रिवाइज की थी उनको यूज करते हुए इन सब्ट्रैक्शंस को फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, एनी नंबर माइनस इटसेल्फ इज, मतलब कोई भी नंबर है जिसमें से हमने उसको इटसेल्फ मतलब उसको ही माइनस कर दिया तो हमें क्या मिलेगा। अब हम इसका एक एग्जांपल सोच लेते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर था 12, हमने उसमें से 12 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें क्या मिला, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे आंसर में लिखेंगे 0। तो आपको क्वेश्चन आंसर्स मैथ्स के लर्न नहीं करने, हमें एग्जांपल के साथ उसको समझना है कि कैसे हमें सॉल्व करना है। अब ये देखिए, एनी नंबर माइनस ज़ीरो इज द डैश इटसेल्फ, मतलब किसी भी नंबर में से आपने 0 माइनस किया। अब हम फिर से कोई भी एक नंबर लिख के यहाँ समझ लेते हैं। हमने यहाँ लिखा 25 और हमने उसमें से माइनस किया 0, तो हमें क्या मिला, 25 ही मिला ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एनी नंबर माइनस ज़ीरो इज द नंबर इटसेल्फ, यहाँ हम लिखेंगे नंबर इटसेल्फ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी नंबर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इट्स सक्सेसर इज, मतलब कोई भी नंबर है उसको उसके सक्सेसर में से माइनस किया हमने, सक्सेसर मतलब नेक्स्ट नंबर, तो हमें आंसर क्या मिलेगा। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं हम। अभी हमने कोई भी नंबर लिखा सपोज 45, ओके, और उसका सक्सेसर क्या बनेगा, फ्रॉम इट्स सक्सेसर, फ्रॉम वाला मतलब पहले लिखेंगे, है ना। तो 45 का सक्सेसर क्या होता है, 46, तो 46 माइनस 45 किया हमने, ये हम एग्जांपल्स करके कर रहे हैं सॉल्व, ओके। तो हमें आंसर क्या मिला, 1। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एनी नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सक्सेसर इज 1। नाउ नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसर एंड द प्रीडेसर ऑफ अ नंबर इज, मतलब किसी भी नंबर के सब्ट्रैक्शन हमें कैसे करना है, कि डिफरेंस किसका हमें पता करना है, सक्सेसर और प्रीडेसर, किसी भी नंबर के सक्सेसर और प्रीडेसर के बीच में कितना डिफरेंस होता है। चलिए पहले तो हम एक कोई भी नंबर लिख लेते हैं, सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया 36, ठीक है। अब ये हमने आप अपने लिए नंबर लिख लिया 36, ये एक नंबर है। अब इसका हम सक्सेसर लिखते हैं, तो हमने जब इसका सक्सेसर लिखा तो वो आया 37, और जब हमने इसका प्रीडेसर लिखा तो वो आया 35। ये हमने इसका प्रीडेसर लिखा है, ये इसका सक्सेसर लिखा है, और ये प्रीडेसर और ये सक्सेसर, है ना, प्रीडेसर और सक्सेसर हमने लिखा तो ये नंबर आया। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, यहां से यहां तक गए 1, फिर यहां तक गए फिर 1, तो कितने हो गए हमारे पास, 2। तो आंसर हो गया 2, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसर एंड द प्रीडेसर ऑफ अ नंबर इज 2, मतलब कोई भी नंबर है उसके सक्सेसर और प्रीडेसर के बीच में कितना डिफरेंस होता है, 2 का। कैसे पता चला, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 1, तो हमारे पास टोटल हो गया 2। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।